इन तस्वीरों को देखकर आप चौंके तो नहीं? शहर के बीचों बीच सड़क पर ग्लव्स, पैड और हेलमेट लगाकर कवर ड्राइव लगाते हुए कोई क्रिकेट का मैच नहीं खेल रहा, बल्कि क्रिकेट के माध्यम से सरकार का विरोध करने का ये नया तरीका है। विरोध बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर। बीच सड़क पर अपने बैट से शॉट्स लगाते इस शख्स का नाम है मोहम्मद शम्स शाहनवाज, जो कांग्रेस के सीतामढ़ी जिले के युवा जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध करने के लिए क्रिकेट को ही क्यों चुना, इन्होंने खुद बताया। देखिए, जिस तरीके से महंगाई को कम करने का वादा करके मोदी सरकार आई थी, आज पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस महंगाई बम बनकर इस सरकार के कार्यकाल में फूट रहे हैं और आम आदमी का बजट और उसका जो पूरा रसोई है वो बर्बाद हो चुका है। दरअसल पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी बदस्तूर जारी है, जिसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, क्या बंगाल और क्या बिहार, हर जगह अलग अलग पार्टियां विरोध कर रही हैं, कहीं कांग्रेस तो कहीं लेफ्ट तो कहीं स्थानीय पार्टी। इसी सिलसिले में बिहार के सीतामढ़ी जिले से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने जिले के महसौल चौक पर बढ़ती पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस जिला युवा अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मोहम्मद शम्स शाहनवाज के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए शहर में पैदल मार्च भी किया। पेट्रोल का दाम कम करो, नरेंद्र मोदी करो। विरोध प्रदर्शन का तरीका भले ही अनोखा हो, लेकिन उनकी मांगे जायज हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई और ऊपर से लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। बढ़ती महंगाई ने लोगों के जीवन स्तर को काफी प्रभावित किया है। अब देखना होगा कि जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार कब जागेगी। सीतामढ़ी से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।